अगर आपके पास 1 लाख रुपए भी हैं और एक उसमें 100 का नोट फटा, सबसे पहले वो चलेगा जो फटा हुआ है। यस और नो? मतलब जब लोग आपको फाड़ दे, तोड़ दे, मोड़ दे, आपको बेहाल कर दे। हर व्यक्ति को हर परफॉर्मेंस पे हर जगह पर ऐसा महसूस होता है कि ये काम मैं इससे बेहतर कर सकता था। ये तो छोड़िए, हर एक व्यक्ति को अपने ऊपर भी ये महसूस होता है कि ये काम जैसा मैंने किया मैं इससे और बेहतर कर सकता था। इसके बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल हैं, इसको हम बोलते हैं ऑन द स्पॉट परफॉर्मेंस। देखिए, आप अपने आप को कितना बेहतर तैयार करते हैं ये आपके पास्ट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। पर मौका मिलने के बाद आप कितना बेहतर परफॉर्म करते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आपने अपनी योग्यता का 100% दिया। यस और नो? ग्रेट। मैं किसी एक पर्सन को यहां बुलाना चाहूंगा कि टीम ए में से कोई भी एक आ जाए, कोई भी एक पर्सन। आइए आइए, प्लीज वेलकम। क्या शुभ नाम आपका? माय नेम इज युवराज। अब यही मौका मैं टीम बी को देना चाहता हूँ, आप में से कोई भी एक व्यक्ति यहाँ पर। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम मयंक। मयंक जी, अब मैं ना आपसे एक बात पूछता हूँ। ऑन द स्पॉट परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि आपके अंदर जो भी काबिलियत है क्या आप उसको 100% काबिलियत के साथ ऑन द स्पॉट देने के लिए तैयार हैं? 100 रुपए का या 50 रुपए का नोट है किसी के पास? है भाई, अभी आप क्लास के बाद ले लीजिएगा मुझसे, ठीक है? ठीक है, बैठिए। अभी ना मैं ऑन द स्पॉट परफॉर्मेंस का एक बहुत सा एग्जांपल आपको देने वाला हूँ। कितने रुपए का नोट है ये? अब अगर इसको खूब अच्छे से रगड़ दूं मैं तो क्या इसको 20 रुपए में लेंगे आप, या इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? इसकी वैल्यू हमेशा 100 ही रहने वाली। यहां तक कि अगर ये फट जाएगा तो इसकी वैल्यू तब भी 100 रहेगी। इंडिया में कह रहे टेप लगा देते हैं, और लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, फेविकोल को एक माचिस की तिल्ली पर लेंगे और माचिस की तिल्ली से यूं करके लगाएंगे फेविकोल, और ऐसे जोड़ देंगे जैसे वेल्डिंग कर देते हैं, और लगे कि वेल्डिंग लेस प्रोडक्ट है। यस और नो? और फटे हुए नोट की सबसे बड़ी खास विशेषता पता क्या होती है? अगर आपके पास 1 लाख रुपए भी है और एक उसमें 100 का नोट फटा, सबसे पहले वो चलेगा जो फटा हुआ है। यस और नो? मतलब जब लोग आपको फाड़ दे, तोड़ दे, मोड़ दे, आपको बेहाल कर दे, तो समझ लीजिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है सबसे आगे बढ़ने की, क्योंकि वो सब कुछ आपको बता चुके। अच्छा, मैं एक बात कहता हूं कि ये 100 रुपए का कुचला हुआ नोट मैं पहले व्यक्ति से लेकर, इस मंच से लेकर लास्ट व्यक्ति तक, इंक्लूडिंग जो सर हमारा माइक सेटअप चला रहे हैं, हर एक व्यक्ति को जो इस ऑडिटोरियम में मेरी आवाज सुन रहा है, ये मैं नोट किसी एक व्यक्ति को देना चाहता हूं, और जो व्यक्ति लेना चाहता है वो इस नोट को ले ले। ये 100 रुपए का एक नोट मैं किसी एक व्यक्ति को देना चाहता हूं, और जो लेना चाहता है वो इस 100 रुपए के एक नोट को ले ले। ये 100 रुपए का एक नोट मैं दोबारा बोलता हूं लाइन, मैं पूरे ऑडिटोरियम में हर व्यक्ति को, आप तो ले लिया जिसको चाहिए, देना चाहता था, जो लेना चाहता था उसने ले लिया। अच्छा, कितने लोगों के मन में ये आया था मुझे दे दो सर? सर आप हंस रहे हैं, आपके मन में भी आया होगा, सबसे पहले आया था ना कि मुझे ही दे दो सर। अच्छा, कितने लोगों के मन में ये आया था यार अच्छा लगेगा यार 100 रुपए के लिए उठ के जाऊंगा मैं? भाई जो हमारे मेन लोग हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको लगे यार 100 रुपए के लिए मैं उठ के जाऊंगा, हमारी टीम का बच्चा क्या सोचेगा? यस और नो? यही बात ना लाइफ में अपॉर्चुनिटीज के साथ होती है, कई बार ऑन द स्पॉट पर। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पास मेरे कौन था? ये और ये, और इन दोनों में से ज्यादा पास कौन था? ये ज्यादा थे क्योंकि साथ में था मेरे नोट। इनको हो सकता है मुझे क्रॉस करके जाना पड़ता, इनकी तरफ तो था ही ये नोट। आपके मन में नहीं आया मुझे मिल जाए? आया ना, मन में तो सबके आता है कि मैं आगे बढ़ जाऊं, और अच्छा परफॉर्म करूं, और बेटर रहूं, और आगे बढ़ूं, और चीजों को अचीव करूं। अपॉर्चुनिटीज इस दुनिया में सबके लिए हैं और समान रूप से हैं, किसी के पास बहुत ज्यादा करीब है, किसी से दूर है, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपॉर्चुनिटी किसके ज्यादा करीब है। जो व्यक्ति उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहता है वो हर सर्कमस्टेंसेस में उसको हासिल करने का प्रयास करता है। विवेक सर के मन में आया, लेकिन उन्हें मन में आने के बाद एक डिसीजन लिया ऑन द स्पॉट परफॉर्मेंस देने का, कि सोचो ना यार छोड़ो दुनिया क्या सोचती है, जब 100 रुपए मिल रहे तो पहले ले ही लेता हूं ना, तो एक प्रयास किया, नहीं आया। फिर इनको लगा सर ने टाइट पकड़ा हुआ, आपकी लोअर सारा खींच लूंगा तेज, तो उन्होंने ले लिया। ऑन द स्पॉट परफॉर्मेंस इसी बात पर निर्भर होती है कि भाई हम क्या मौके पर, सही समय पर, सही चीजों का सही डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं या नहीं। और ध्यान रखिएगा, दुनिया में जीतने और हारने वाले दोनों लोगों के बीच में बहुत माइक्रो सेकेंड का डिफरेंस होता है, या माइक्रो पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। यस और नो?
मतलब जो 100 मीटर की दौड़ में बच्चे दौड़ रहे हैं, एक ने गोल्ड मेडल हासिल किया और एक ने सिल्वर, एक ने ब्राउन, और बाकी 97 को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद भी उन दोनों की जीत में माइक्रो सेकेंड का अंतर होगा, मिली सेकेंड का अंतर होगा। इसका मतलब दोनों ही समान रूप से काबिल हैं, बशर्ते कि ऑन द स्पॉट किसने बेहतर परफॉर्म किया। एक सेकेंड के भी 100वें हिस्से का अंतर है, क्या उसकी काबिलियत में अंतर है दोनों में? नहीं। लेकिन ऑन द स्पॉट परफॉर्मेंस कैसे किसने दी होगी, ये उस पर निर्भर करता है। तो आप हमेशा अपनी काबिलियत पर निरंतर काम करते रहें ताकि आप ऑन द स्पॉट बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएं। ध्यान रखिएगा, ऑन द स्पॉट परफॉर्मेंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप तैयारी ना करें लेकिन ऑन द स्पॉट डिसाइड करें कि मुझे बेस्ट बनना है। ऑन द स्पॉट परफॉर्मेंस के बैकएंड में जो आपको प्रयास कर रहे हैं ना, वो निरंतर करते रहें।